बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज मौसम जो है पिछला हफ्ता पूरा जो है मौसम ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी थी। वैसे जो है ना सितंबर के महीने में स्वीडन में सर्दी होती है, मगर इस साल जो है गर्मी है, उतनी सर्दी है नहीं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सूरज मामू निकला है और मौसम बिल्कुल साफ है। इस तरफ थोड़े थोड़े से बादल है इस तरफ। तो अभी कपड़े मैंने चेंज कर दिए है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं निकलता हूँ काम के लिए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मैं निकला हूँ, और ये इसकी वीडियो आप लोगों को मैंने बनाई भी है। तो यहाँ पे जितना भी फल होता है तो वो जो है ना वैसे ही जो है ना ज़ाया हो जाता है। ये सारे जितने भी है ये ज़ाया हो गया है, जितना इन लोगों ने खाना था। ये मतलब ये लोग ख़ुद खाते नहीं हैं, और ये बग़ैर प्रोसेस के होते हैं, यानी नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक जो होती है। तो वो है, इसमें कोई दवाई कोई कुछ भी नहीं होता। और रात के टाइम पे 11-12 बजे के बाद जो है यहाँ पे हिरने भी आती हैं, वो बारासिंगे नहीं होती। तो ये यहाँ पर जो ना ये सेब खाने के लिए आते हैं, नीचे जो गिरे होते हैं। मैंने देखे है 3 से 4 दफ़ा मैंने देखे हैं। यहाँ स्वीडन में जितना भी फल होता है घरों में होता है। अभी ये सारा जितने भी था आधे ज़्यादा जो है ज़ाया हो गया था, नीचे गिरा है, और ये लोग खाते नहीं, उठा के जो नहीं खाते। और फेसबुक पे भी मैं देख रहा था बहुत सारे यहाँ का जो हमारे सिटी का जो पेजेस बने हुए हैं, तो वहाँ पर लोग ये प्लूमन जो होते हैं आलू बुखारा सेब और बहुत सारे जो है ना फल लोगों के घरों में होते हैं, तो वो पोस्ट देते हैं कि अगर किसी को भी चाहिए तो आके जो है ना आप तोड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरह सीन नहीं है यहाँ पे। जो है ना लोग खाते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खाते। ये लोग वो चीज़ खाते हैं जो प्रोसेस से गुजर के आती है। आज जुमे के दिन है, और यहाँ पे जो है जुमे के दिन स्पेशली जो है रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग पूरे हफ्ते का जो जितना भी सामान होता है ग्रोसरी स्टोर्स है या ये लोग लेते हैं, जुमे के दिन स्पेशली जो है लोग लेते हैं। तो इसीलिए जो है रश आज हमारी दुकान पे बहुत ज़्यादा होगा। और अभी खैर इतने लोग नहीं हैं, ये जब आएंगे ये दोपहर के 4 बजे के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल फुल हो जाता है। वो सामने एक पार्किंग है वो भी फुल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह। जुमे के दिन स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जुमे और हफ्ता स्पेशली जुमे के 4 बजे के बाद जो है 3-4 बजे के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और ये बस जो है सिटी से आई है, अभी जो है उधर पार्क करेगी, चूँकि जो है अभी ये ट्रैफिक में है नहीं, तो इसका टाइम मेरे ख्याल में रहता है 1 घंटे बाद जो है ना ये चलेगी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छुट्टी की है, और शाम के अभी 7 बजने वाले हैं। तो आज बहुत ज़्यादा काम किया मैंने, और कस्टमर भी बहुत ज़्यादा थे पूरा दिन। आज जुमे के दिन है, तो जुमे के दिन कस्टमर बेहद ज़्यादा होता है। 4 बजे के बाद जो है 3-4 बजे के बाद बहुत ज़्यादा कस्टमर होता है। और आज दिन के टाइम तो मौसम ठीक था, गर्मी थी, मगर इस तरफ जो है अभी बादल इस तरफ से आ रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शाम का खाना खा लिया है, और नमाज भी पढ़ ली है। तो अभी इधर वॉलीबॉल हम खेलते हैं, इधर आए हैं, तो 3-4 गाड़ियाँ भी आई है, हमारे दोस्त जो है वो आए हैं पहले से 8 बजे। वैसे जो है ना हम 7 बजे आते हैं, तो 7 बजे आज जो है प्रोग्राम थोड़ा सा लेट है, 1 घंटा लेट है, तो 8 बजे हम आए हैं, 10 बजे तक हम वॉलीबॉल खेलेंगे। सारी गाड़ी जितनी भी है ये यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने के लिए हम आए हैं, ये हम बुक करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, यहाँ ये वाला हॉल जो है ये हम बुक करते हैं। तो ये है बस, तो ये वाला यहाँ पे हम आ सकते हो, और यहाँ ये वाला बस है। तो यहाँ पे जो है ना इसको हम बुक करते हैं एक साथ पूरे 1 साल के लिए। ओके,
अभी जो है ना लोग इतने आए नहीं हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं, अभी 3 बजने वाले हैं, 2:55 है। तो दोस्त को मैंने बताया हुआ है तो हम निकल रहे हैं। कपड़े मैंने खैर अल्हम्दुलिल्लाह चेंज कर दिए हैं और निकल रहे हैं। बैग भी मैंने ले लिया है, बिस्किट भी ले लेते हैं, कॉफ़ी उसको मैंने बताया जा रहा कि कॉफ़ी है आप खुद लेके आ गए। थरमास उसको मैंने कल मैंने दिया था तो वो इंशाल्लाह कॉफ़ी बनाएगा उधर से। तो आज हफ्ते के दिन है और दोस्त को मैंने ये वाली जगह जो है बताई है। मेरे ख्याल में उसकी गाड़ी आ गई है, 3 बजे का टाइम हमने फिक्स किया था। वैसे जो है हमने पहले 2 बजे का किया था क्योंकि 4 घंटे लगते हैं उधर। तो फिर मैंने कहा कि भाई 3 बजे ठीक है क्योंकि वो दुकान जो है 6 बजे खुलती है। तो 3 बजे ये ठीक है कि थोड़ा सा आराम भी हम कर लेंगे। और यही मेरा दोस्त है, ये वाला है मेरे ख्याल में। तो 3 बजे के बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो 7 बजे तक, 7:30 बजे तक इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। हाँ यही उसकी गाड़ी है, ये पहुंच गया, खूबसूरत गाड़ी है इसकी। तो ये है मेरे दोस्त की गाड़ी। तो अभी हम निकल रहे हैं, जीपीएस ये म्यूज़िक जो है लगा रहे हैं तो निकल रहे हैं। मैंने चार्जर जो है, चार्जिंग पॉइंट ये मैं भूल गया घर, वैसे मेरे साथ बैटरिया है तो वो उसे हम लगा रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्जिंग केबल ये मैंने ले लिया है, रास्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बैटरी मेरे पास है तो उससे इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो चार्ज कर लेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम यन शिपिंग पहुँच गए हैं और 2 घंटे जो है अभी 4:54 हो गए हैं। तो अभी जो है यनशिपिंग हम पहुंच गए और यहाँ से कम 2-2.5 घंटे जो है ना हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो यनशिपिंग ये सिटी, मुझे यनशिपिंग सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये स्टार्ट जब से मैं स्वीडन मूव हुआ हूँ तो यनशिपिंग सिटी ये फर्स्ट मेरा सिटी था कि यहाँ पे मैं मूव हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली 3 साल मैंने इधर गुजारे हैं, स्पेशल यनशिपिंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है O6A6 यानी ये शॉपिंग सेंटर है ये वाला। खूबसूरत सिटी है, यकीन करो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यंशो में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं ये कौन सी जगह है मगर हम पहुंच गए हैं और तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है हम रोड पे ही है। तो अभी ये बेंजीन स्टेशन है, यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ से कुछ ले लेते हैं। यहाँ से कॉफ़ी ले लेते हैं। तो कॉफ़ी यह है कि थोड़ा सा मतलब अभी जो है ना 5:30 बज रहे हैं मगर अभी तक जो है ना रोशनी नहीं है। देखते हैं ये खुला है कि बंद है, खुला है। यहाँ से जो है ना एक ले लेते हैं, मफिन तो खैर नहीं, ये क्रोसान ले लेते हैं और ये वाला जो है ये वाला ले लेते हैं।
तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी भी हमने पी ली है और ब्रेक कर लिया है, तो अभी हम इंशाल्लाह निकलते हैं। तो अभी है मेरे ख्याल 2 घंटे में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिम है, यानी बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी जो है ना सितंबर का महीना, सितंबर के महीने में इतना डिम यानी इतना धुंध है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये स्वीडिश समर है, या मतलब स्वीडिश विंटर आप कह लें। विंटर खैर अभी है, थोड़ा से दिन है विंटर में, मगर ये है कि समर में भी इस तरह की धुंध होती है स्वीडन में। बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल रात के मेरे ख्याल में 2 से 3 बज रहा है इस तरह का लग रहा है। और अभी आपको टाइम मैं दिखा देता हूँ, और अभी 5:55 हो गए हैं, अभी तक जो है ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचने वाले हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट हम पहुँच जाएंगे। तो अभी ये लास्ट वाला हिस्सा जो है, ये मैंने दोस्त को कहा कि भाई ये मैं जो है ना ड्राइव कर लेता हूँ, क्योंकि वो थक गया है बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में 3-3.5 घंटे उसने गाड़ी चलाई है। तभी ये लास्ट वाला ट्रैक जो है, ये मैं इंशाल्लाह अभी जो है ना ये गाड़ी चलाऊंगा। तो जैसे हम पहुंचते हैं तो अभी हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, 15-20 मिनट या 25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। या अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम ओला रेड पहुँच गए हैं, और तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए उल्लरीद, और अभी जो है इंशाल्लाह 6 बजे जो है ना ये खुलते हैं। अभी जो है ना कितने बज गए हैं, 7:20 हो गए हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंच गए हैं, तो पूरा दिन हमारे साथ है, तो पूरा दिन इंशाल्लाह। तो ये है सामने, यू कैन बी सेफ, शेफ रामोट, ओके, यू कैन बी सेफ। गीको सलरेट, तो ये है गीको सलरेट, स्वीडन का सबसे गीको सलरेट। Lås. Hä? Lås. Du drar på knappen. Dra. Nej, jag måste göra. Jag måste göra det. Ja. Ja. Då har vi alhamdulillah han pånt gå här och Olle Reed. Då ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अल्लाह अल्लाह हाफिज़, जिधर भी रहे खुश रहे आबाद रहे। तो ये इसकी वीडियो उल्लरीद की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा अभी, तो वो भी इंशाल्लाह देख लेना। तो वो यहाँ ये बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है।